जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एक कदम स्वच्छता की ओर, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगर पालिका परिषद चंपावत द्वारा जनहित में जारी। चार शहरों की पेयजल योजनाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वित्त समिति की बैठक को मिली मंजूरी। चार योजनाओं के लिए 67.98 करोड़ रुपए दिए गए मंजूर। वहीं इन योजनाओं से देहरादून, चंपावत, सतपुली और गोचर का पेयजल का संकट होगा दूर, जिसमें चंपावत के लिए 9.46 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। यूपी सिंचाई विभाग ने बनबसा के बेलबंद घोट में विगत 4 पीढ़ियों से बसे लोगों को एक सप्ताह में भूमि खाली करने का नोटिस किया जारी, जिससे स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। वहीं स्थानीय बस्ती वासियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद की लगाई गुहार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय में कोऑर्डिनेटर के तौर पर तैनात नंदन सिंह बिष्ट का हुआ निधन। बताया जा रहा है वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे, ब्रेन हेमरेज के कारण हुई उनकी मौत। साथ ही नंदन सिंह बिष्ट की निधन से सीएम कार्यालय में है शोक की लहर। टनकपुर पुलिस द्वारा 11 वर्षीय बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द। वहीं सोमवार की रात में एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी 11 वर्षीय पुत्री कहीं मिल नहीं रही है। इसी दौरान परिजनों ने पुलिस का जताया आभार। उत्तराखंड में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा राज्य में 1064 हेल्पलाइन के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता लाने के उद्देश्य से तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों के सरकारी कार्यालयों में 1064 के लगाए जा रहे हैं पोस्टर। साथ ही जनता अपने फोन से 1064 नंबर मिलाकर सीधे भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना करा सकती है दर्ज। केदारनाथ धाम में क्षमता से अधिक यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, साथ ही यात्रा मार्ग पर जगह जगह जाम लगने से यात्रियों को काफी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। इसे देखते हुए सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए नए पंजीकरण पर 3 जून तक लगाई रोक। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 30 मई और 31 मई को गढ़वाल मंडल के अनेक स्थानों और कुमाऊं मंडल के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की जताई संभावना। वहीं राज्य के कुछ स्थानों में गर्जन के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि तथा मैदानी क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की जताई संभावना। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।